ऑफ डाला है, फ्लश आउट करने में कामयाब। S12K के साथ फाइट ले रहे हैं, गोज डाउन। शोगन विद अ ड्रॉप शॉट, लाजवाब था, कोशिश अच्छी थी, बट गॉजन ऑलरेडी एक रिसीविंग एंड पे थी, उनके दो फिर बचे थे, बट जाते जाते उन्होंने ब्लाइंड का भी गेम खराब कर दिया, बट यहाँ पे बचा मुश्किल होगा। गोकू इज थ्रोन डाउन करके बैठे थे घर के अंदर, बट व्हाट वाज दैट, ये क्या था, लिटरली फोर शॉट के प्लेयर आए। अरे अरे उनकी डीपीएस तैयार नहीं थी एक और हमला करने के लिए और उस हमले के नीचे दबते हुए दिखे। बट इस कंपाउंड के अंदर एंटिटी वर्सेस ग्लोबल ईस्पोर्ट और साथ साथ एक छोटे से कॉर्नर पे गुजरात टाइगर्स भी अपने आप को पाएगी यहाँ पर, यहाँ पे एंटिटी वर्सेस ग्लोबल की, वहां पे फायदा उठाएगी गुजरात टाइगर्स तो सही रहेगा। अगर गुजरात टाइगर्स से महफिल की शुरुआत करी और किसी के हत्थे पहले चढ़ गई, उनका गेम में एलिमिनेशन कंफर्म है जॉनी। बिल्कुल, कुछ ही देर में टीम का खात्मा भी हमको होता हुआ नजर आएगा, बट फिलहाल एंटिटी गुजरात टाइगर्स के अगेंस्ट ग्लोबल ईस्पोर्ट्स का एक काफी अच्छा पुश। कमला बॉय नॉक्ड आउट, लेकिन सोमराज का नेट दो प्लेयर को गिराता हुआ। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स अगेन इनकी तरफ से भी एक अंडर परफॉर्मेंस था वीक वन में, और एंटिटी लाजवाब कमबैक देखने को मिला था, लेकिन इस वक्त ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की सबसे बड़ी थ्रेट का उन्हें सामना करना, और निंजा बॉय का कॉन्फिडेंस देखिए सोमराज को हंट करते हुए नजर आ रहे हैं। भैया जो अभी इन्होंने शॉट कनेक्ट करा डीपीएस से, दैट फ्लिक वाज सो परफेक्ट विद द जायरो, एंड देखते देखते बकायदा सोमराज का ग्रेनेड था जिसकी वजह से ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के दो प्लेयर नॉक हुए थे, बट गेस व्हाट, द एमवीपी द निंजा बॉय स्टेपिंग अप बिग टाइम एंड एलिमिनेटिंग एंटिटी फ्रॉम द मैप एट एंगल। अब टाइम है गुजरात टाइगर्स का एक्टिवेट होने का। अगर विक्सी ने यहाँ पे नॉक निकाली इसलिए गया किसी का तो फायदा हो सकता है। अभी इसको जिस चीज की दुआएं काफी दिनों से करी थी आज हमको पूरी होती हुई नजर आएगी। टीम गॉड लाइक बहुत देर से इस सर्कल का कंट्रोल मेंटेन किया उन्होंने, पता था एक इंपॉर्टेंट गेम है, पता था यही वो मैच है जो टॉप 16 से सीधा टॉप 8 एंट्री दिला सकता है, और इस टीम ने अपना सर काफी देर तक झुकाए रखा, लेकिन अब वक्त आया है लड़ाइयों को अंजाम देने का। एक ही थ्रेट है इनके सामने WSB, एक और जा रहा है। अब हमारे पास तीन टीमें 10 प्लेयर हैं, अब WSB के चार प्लेयर WSB के पे नॉक होना भी चालू हो रहे हैं, बट जॉनी मेरे हिसाब से ब्लू जोन में कोई ना कोई प्लेयर मौजूद जरूर है जो अभी पट्टियां लगाए जा रहा है और वो प्लेसमेंट खेलना चाहता है, बिकॉज अभी ऑटोबॉट्स को एलिमिनेट कर दिया WSB। ओके, यहां पे 8 बिट रॉनक एंड माइटी भी एक पेड़ के आसपास पूरा स्मोक वगैरह कर पोजीशन पे काम करें, बट जोनाथन जो कर रहे हैं, जेली जो कर रहे हैं, क्या ये करना जरूरी है, क्योंकि जोन का साथ अभी भी उनके पास है, सामने वाली टीम को फोर्स कर आगे आना पड़ेगा। बट WSB दे वन स्पैम दिस आउट, चारों प्लेयर फिर से वापस, रिवाइवल का प्रोसेस यहां पे एक्टिवेट हो चुका है, बट धीरे धीरे गाड़ी आगे ले जा रहे हैं, स्मोक्स का फिर से बैरियर बनाएंगे एंड जोन के अंदर एरिया हड़पने की अच्छी कोशिश। क्रैड एक चीज जो आपने कुछ देर पहले बोला था, जो आपसे मिस जजमेंट हुई, 8-bit ने अपनी प्रेजेंस पूरी छुपा रखी थी, मेरे को भी लग रहा था कि गॉडलाइक ने नहीं नोटिस किया, लेकिन जैसे ही बाहर आए एकदम मिल के प्रहार किया उन पे गॉडलाइक और WSB ने, और कुछ सेकंड्स में 8-bit को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब फाइनल 4v4 दोनों टीम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट गेम, एक इंपॉर्टेंट सेकंड डिनर। गॉडलाइक टॉप, WSB इस मैच से टॉप 16 के अंदर एंट्री ले सकती है, बात करी थी इनके बारे में, 29th पोजीशन पर है 50 अंकों के साथ, और टॉप 16 में आने के लिए सिर्फ 17 पॉइंट चाहिए थे। दे कैन डू इट, दे हैव दैट पोटेंशियल, बिकॉज़ दिमाग बहुत खूबसूरत लगा है, इनको पता था अगर हम शैक के आसपास रहेंगे ना देन कहीं ना कहीं पोजीशन बनाई, बट यस फिलहाल की बात सच तो ये है कि जोनाथन ने ज़ेरेफ पे नॉक निकाले, बकायदा मैक ने अनुज को नॉक निकाला, राइट नाउ द सिचुएशन इज 2v4 एंड इट्स टाइम टू पुश इन। बाकी के दो प्लेयर्स मैक एंड यस वो वहां से आएंगे, बट रन ओवर के बीच में ये क्या ही चल रहा है, और देखते देखते गेम खत्म होता है एंड गॉडलाइक।